Basmete. Ahí está el grupo. समझ नहीं, मैंने अभी डिसिप्लिन की बात की बच्चों से, मैं एनसीसी वालों को भी 5-7 मिनट में संबोधित करके आया। डिसिप्लिन, कैंडिडेट डिसिप्लिन में है और दूसरों को डिसिप्लिन का मतलब सीख दे। उसके बावजूद आप देख लो, दो एनसीसी के कैंडिडेट्स मतलब आ रहे हैं क्लास में, मैं एक को संकेत दे चुका उसके बावजूद। तो हम जस्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो व्यवहार है बोर्ड प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, फिर भी हम अध्ययन क्यों करते हैं? उसका कारण है कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक कार्यक्रम को समझने के लिए। बाजार के अंतर्गत कितने प्रतिस्पर्धाएं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, लोकाधिकार, दो अधिकार और एकाधिकार। तो बाजार में जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की जो स्थिति है वो कौन कौन सी स्थिति है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्व्योधिकार। तो अब जो अर्थव्यवस्था का जो कार्यक्रम है कि भाई अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता कब होगी? जब पूर्ण प्रतियोगिता से हम उसकी तुलना करेंगे। तो यह वास्तविक स्थिति, बाजार के अंतर्गत जो वास्तविक प्रतियोगिताएं पाई जाती है उन प्रतियोगिताओं को मतलब ध्यान में रखते हुए। अब ध्यान में कब रखेंगे? तो जब पूर्ण प्रतियोगिता भी बाजार में है, अपूर्ण प्रतियोगिता भी बाजार में है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन इसलिए करते हैं कि इसके साथ हम बाजार के अंतर्गत जो वास्तव में जो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है उसके साथ हम तुलना कर सकें। व्यवहार में चीज पाई नहीं जाती, व्यवहार में कौन सी प्रतियोगिता पाई जाती है? अपूर्ण प्रतियोगिता। तो उस अपूर्ण प्रतियोगिता, अगर मान लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे नहीं केवल अपूर्ण प्रतियोगिता, तो फिर अपूर्ण प्रतियोगिता वो कैसे है, उसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो अपूर्ण प्रतियोगिता को समझने के लिए या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तव में जो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है उसको समझने के लिए कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में दूसरी प्रतियोगिता कैसी है, इसलिए एक पूर्ण प्रतियोगिता और प्योर जो विशुद्ध प्रतियोगिता उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसमें कि पहला तो हो गया वास्तविक कार्यकारण को समझने के लिए, और दूसरा है कि व्यावहारिक जीवन में जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम क्यों होती है? भाई एक तो वास्तविक कार्यकरण को समझने में और एक जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो अपूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम क्यों होती है, तो दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। आपके सामने एक मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता का है जिसका हमने अध्ययन किया, और एक मार्केट ऐसा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता का है। तो दोनों में हम तुलना करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो बाजार का जो एक छोर है, बाजार का एक छोर है, एक सिरा है, एक सिरा कौन सा है? पूर्ण प्रतियोगिता, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरा सिरा कौन सा है? एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, तो दोनों सिरों की स्थिति हो जाएगी। मोनोपोली, एकाधिकार, जिन बाजार के दो सिरे की स्थिति हम
कर रहे हैं बाजार का एक छोर होता है पूर्व प्रतियोगिता और अंतिम छोर होता है एकाधिकार, ठीक है। और व्यावहारिक जीवन में हम देखें तो जो प्रथम छोर और आखिरी छोर है वो दोनों ही व्यावहारिक जीवन में नहीं पाए जाते, न तो पूर्व प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही एकाधिकार, मगर इनका अध्ययन हम करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। एकाधिकार की स्थिति तो यदा कदा दृष्टिगोचर होती है, एकाधिकार की स्थिति देखने को मिलती है, मोनोपोली अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण पर। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक फर्म उद्योग होता है, वन फर्म इंडस्ट्री, एक फर्म उद्योग, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, वन फर्म इंडस्ट्री है ना, वन फर्म एक फर्म उद्योग। एकाधिकारी एक बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक फर्म उद्योग होता है, अर्थात उसका उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एक फर्म बाजार की एक एकाधिकारी बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें एक फर्म एक उद्योग का बाजार की आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वन फर्म इंडस्ट्री, समझ गए, एक ही फर्म होती है और उसका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह कीमत को प्रभावित कर सकता है। एक एकाधिकारी एक ही वस्तु का उत्पादन होता है और उसका संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण होता है, और संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण होने के कारण वह कीमत को प्रभावित कर सकता है, कीमतें को बढ़ा सकता है और एकाधिकारी कीमत बढ़ा सकता है क्योंकि उसका कोई दूसरा कंपटीटर नहीं, ठीक है। तो एक फर्म उद्योग होता है, एक फर्म उद्योग का बाजार की आपूर्ति पर समस्त उत्पादन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है और उत्पाद पर पूरा नियंत्रण होने के कारण वह कीमतों को प्रभावित कर सकता है और कीमतों को प्रभावित करने के अंतर्गत वह कीमतों में बढ़ोतरी करता मुनाफा कमाता है, ठीक है, यह इसका अभिप्राय है। और इसकी जो दशाएं हैं एकाधिकार की, वो एकाधिकार की दशाओं के अंतर्गत आप लिख दीजिए, पहली दशा आप लिखिए वस्तु का एक विक्रेता, ठीक है, एक विक्रेता मैंने आपको बताया, उत्पादन केवल एक ही फर्म के द्वारा होता है, मैंने जो शाब्दिक अर्थ बताया उसमें स्पष्ट है।